क्यों? दुख हो रहा है मोहब्बत छिनने का? अरे फिक्र मत करो, जब लड़कियां किसी और से मोहब्बत करती हैं ना, तो शादी के नाम पर सिर्फ समझौता करती हैं। वो समझौता कर रही हैं, मोहब्बत तो अब भी तुमसे ही करती होगी। खुश हो जाओ अब। ये लीजिए साहब जी, आपकी गर्मा गर्म चाय तैयार है। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने यकीनन कोई बुरा ख्वाब देख लिया होगा मेरे हवाले से, इसलिए सुबह ही सवाल करने के लिए फ़ोन किया आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल मैं आपको ठीक से मुबारकबाद नहीं दे पाया था, इसलिए कॉल कर लिया। तो दीजिए मुबारकबाद। बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। अब फोन रख दूं? आपका काम हो गया है? आप एक बात पूछनी थी आपसे। जी कहिए। मुझसे किसी ने कहा है कि अगर लड़की किसी और से मोहब्बत करती हो तो फिर वो शादी के नाम पर सिर्फ समझौता करती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप समझौता तो नहीं कर रही है ना? अगर मैं ऐसा कर भी रही हूं तो क्या आप मुझे रोक देंगे ऐसा करने से? मैं ऐसा कोई हक नहीं रखता, सिर्फ आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं कि ऐसा मत कीजिएगा। फहद बहुत अच्छा है, वो मोहब्बत डिजर्व करता है, समझौता नहीं। और आपका होने वाला शौहर है, अगर उसे बाद में मालूम हुआ तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर मोहब्बत हार भी जाए तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगर रिश्ता हार जाए तो जिंदगी बिगड़ जाती है। खुदा हाफिज़।